राजधानी रांची में सरहुल पूजा शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक परिधान में झूम रहे हैं। वहीं इस शोभा यात्रा के दौरान इलेक्ट्रो बांड और आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा भी छाया रहा। कांग्रेस नेता दीपू सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है आदिवासी धर्म कोड और इलेक्ट्रो बांड का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। दिन है, ईद का भी दिन है और हमारा नवरात्रा भी है, तो इन तीनों को सबों को बधाई। और हम यहाँ पर देख रहे हैं जन सलाह हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण तो देखिए इलेक्ट्रल वोट को प्रिय चंदा छोटे छोटे बच्चे ने निकाला, क्योंकि एक संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोगों को ठगने का काम किया है। और आज राजनीति का दिन नहीं है, इलेक्शन का दिन है, लेकिन छोटे बच्चों को साधुवाद देते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपने आप प्रदर्शित किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी गोपनीय छत्ता लेकर के लूटने का काम करे। मैं पूरा सरहुल की ईद की और नवरात्रा की आपके माध्यम से बधाई देता हूँ झारखंड की जनता। ये इलेक्ट्रो बॉन्ड आप समझ लीजिए कि आप जो 26 कंपनी है इनको सीबीआई ईडी का रेट पड़ा और 500 करोड़ 600 करोड़ देने के बाद वो फिर साफ हो जाते हैं। और कई ऐसे कंपनी है जिनका रिटर्न जो है टोटल 80 करोड़ रुपया है, वो 600 करोड़ रुपया चंदा दे रहे हैं, वो पैसा किसका है? ये जवाब मोदी जी को देना होगा।